हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम आए रानी जोधाबाई का महल देखने। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन थी रानी जोधाबाई और किसने बनवाया रानी जोधाबाई के लिए महल। तो बने रहिएगा वीडियो पर और देखिए रानी जोधाबाई का पूरा महल। हमने पूरा महल शूट करने की कोशिश की है। चलिए बात करते हैं रानी जोधाबाई के ऊपर कि कौन थी रानी जोधाबाई। दोस्तों, रानी जोधाबाई मुगल सम्राट अकबर की सबसे प्रिय पत्नी थी और वो हिंदू पत्नी भी थी। यानी अकबर की जितनी भी पत्नियाँ थीं उनमें से रानी जोधाबाई ही हिंदू पत्नी थी उनकी, ठीक है, और सबसे प्रिय पत्नी भी थी। अब बात करते हैं कि रानी जोधाबाई कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, यानी किस रियासत से वो बिलोंग करती थी। तो जोधाबाई जयपुर की राजपूत आमेर रियासत के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी और अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया क्योंकि अकबर को बहुत ज़्यादा पसंद आई जोधाबाई। तो बने रहिएगा वीडियो पर और जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आए हैं हम रानी जोधाबाई के महल के बिल्कुल पास में, ये स्मारक वाली जगह है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कलाकृति बहुत ही अच्छे से की गई है। बट ये समझ में नहीं आता कि इतना जगह, इतने सारे ये जो बनाए गए हैं ये किस पर्पज से बनाए जाते थे। बहुत ही ज़्यादा बीच में, बहुत ही ज़्यादा जगह में देखिए बने हुए हैं और देख पा रहे होंगे आप। ये थोड़ा सा समझ से बाहर है कि पहले राजा महाराजा कितने सारी जगह को ऐसे ही यूज करते थे। यहाँ पे लोग विश्राम कर रहे हैं अभी साइड में क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, पसीने भी आ रखे हैं। और ये देखिए कितने सारे खम्भे हैं इसके अंदर। इसके अंदर चलते हैं, उसके साइड में है एक पार्क, यहाँ पर पेड़ पौधे और घास वगैरह बहुत अच्छे से लगाई गई है। और यह बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है बादगीर या जहनुमा पंचमहल। पंचमहल पांच मंजिल का यह भवन पंचमहल के नाम से विख्यात है। इसकी हर मंजिल अपनी निचली मंजिल से छोटी है, ठीक है, और सबसे ऊपरी मंजिल पर चार स्तंभों पर आधारित एक छतरी है। इसमें कुल 176 स्तंभ हैं, यानी 176 ये जो खम्भ हैं ये हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकरण हैं। महल की पहली से पांचवी मंजिल में क्रमशः 84, 56, 20, 12 तथा 4 स्तंभ हैं। यह महल मनोरंजन का स्थान था। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर बैठकर शहंशाह गर्मियों की शाम की ताज़ा हवा तथा रात में चांदनी का आनंद लेता था और हरम की बेगमें भी पर्दे वाले रास्ते से यहाँ आती थी जो तीसरी मंजिल से जुड़ा हुआ था। ये जो जगह है इसको खजाने की छतरी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पहले क्या होता था जोधा महल के अंदर ही कि ये यहाँ पर ज्योतिषियों के बैठने का स्थान था, लेकिन ये खजाने के बहुत निकट था तो फिर अंदाजा ये लगाया गया कि ये इतना निकट है खजाने के तो यहाँ पर शाही खजांची ही बैठते होंगे, तो इसको बाद में खजाने की छतरी के नाम से जाने जाने लगा। अभी और काफ़ी कुछ है वीडियो के अंदर, पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको कि सब कुछ हम दिखा सकें। बस आपके लाइक हमें मिलते रहें, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहे तो हम अपनी वीडियो में बहुत कुछ ऐसा कि जो आपको पसंद भी आए और जो आपने कभी देखा भी ना हो, तो इस तरह की चीज़ें। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है खजाना, इसमें लिखा हुआ है तीन कमरों वाला यह भवन जो गलती से आँख मिचौली कहा जाता है वास्तव में सोने के चांदी सिक्कों का राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवारों से निकली पत्थर की तिरछी धारियां जो सर्पाकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बनाए गए हैं। इसके मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिमी भारत के जैन मंदिर हैं। आप सामने देख रहे हो यह है पंचमहल, यानी पांच मंजिल का महल, ठीक है। इसकी हर मंजिल निचली वाली मंजिल से छोटी है और ये रानी जोधाबाई के महल के अंदर ही बनाया गया है पंचमहल। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है हमें। एक बार फिर से देख लीजिए कि हर मंजिल निचली वाली मंजिल से छोटी है और ये पांच मंजिल का है। ये समझ में नहीं आती जो काम एक बहुत छोटी जगह में बना किया जा सकता था, लेकिन पहले राजा महाराजा वो छोटी जगह में ना बना के बहुत बड़ी जगह में उन लोगों के महल या उनके विश्राम गृह या उनके वार्ता गृह होते थे जहाँ बैठ के वार्ता होती थी। ठीक है, ये रानी जोधाबाई का स्तनपान एवं शिशु देखभाल गृह है
यानी यहाँ पर रानी जोधाबाई अपने शिशु की देखभाल करती थी और उसको स्तनपान कराती थी। यानी अब सोचिए इतनी बड़ी जगह, ये इतनी बड़ी जगह सिर्फ स्तनपान और शिशु देखभाल के लिए बनाई गई, तो आप लोग खुद ही सोचिए। महल का ही एक पार्ट है ये, रानी जोधाबाई के महल का। और देखिए इसमें भी अंदर एक बार अंदर एंटर होके दिखा देता हूँ मैं आपको। Dim dum da 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 dim da 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 da